वाह 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 मजा आ गया वैसे भाई यार के रंग इसमें नजर आए वीडियो में भाई, मुगलिया दौर नजर आया। वाह 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 कमाल। और एक जवान सा लड़का नजर आया मुझे। हाँ, अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये जवान सा लड़का जो है वो अकबर है, औरंगजेब है, बाबर है, हुमायूं है, हुमायूं है, शाहजहां है, कौन सा वाला है, ये उसी जवान से पूछेंगे, तारुफ करवाएंगे। देखिए पाकिस्तान की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें एक नाम ऐसा है जिसने हमेशा जो भी काम किया ट्रेंड सेटिंग काम किया। बिल्कुल, जब उन्होंने रैप बनाना शुरू किए तो ट्रेंड सेटिंग हुई, फिर उसके बाद बाकी लोगों ने उनको कॉपी करना शुरू किया, जट स्टाइल के गाने बनाए, फिर सुफियाना कलाम बनाए, वो भी कमाल उरूज पर पहुंचे, और अब फिर उन्होंने सुफियाना कलाम रिलीज किया है। तो एक साहब जो ये जो लड़के नुमा जो साहब हमें नजर आ रहे थे उनका नाम है अबरारुल हक, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार साहब। इस्तेमाल की है, ये बताएं सबसे पहले अबरार भाई आप कौन से वाले मुगल बादशाह थे? कम से कम बस बहादुर शाह जफर को छोड़ के बाकी बिल्कुल लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये कहूंगा कि ये जैसे आपने कहा एक ट्रेंड सेटिंग, अल्लाह की तरफ से एक आइडिया आता है और सारा बलोच के साथ मुलाकात हुई सहारा के हवाले से, तो AI वीडियो का ख्याल जहन में आया, वरना इसकी वीडियो बन चुकी थी, सारा काम हो चुका था और वो वाकई हम शाही किले में जाके हमने शूट किया था, काफी लंबा चौड़ा शूट। मगर ये जो AI का काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो पहली बार मैंने किसी का देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा और हमने सोचा कि इसको इस पे वो करके देखते हैं। और उसमें जैसे अभी आपने जिक्र किया बॉयश लुक, वो भी बड़ी जरूरी थी, जबरदस्त। और ओवरऑल उसमें जो और ये एक ट्रेंड सेटिंग चीज अच्छा। हो सकती है हाँ। क्योंकि इसमें एक हाँ। तो बहुत कम पैसे लगते हैं वीडियोस में और फिर देन स्काई इज द लिमिट फॉर द इमेजिनेशन, मैं ये कहूंगा कि आप कुछ भी जो है वो बना सकते हैं। आने वाले जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये जो खातून आपके साथ बैठी हुई है मैं जरा इनका भी तारुफ करवा दूं, क्योंकि देखिये कुछ लोग होते हैं वो यकजहती शख्सियात होते हैं, उनका एक काम होता है जिसमें वो माहिर होते हैं, दुनिया उनको उस काम के हवाले से जानती है। लेकिन सारा बलोच साहिबा जो है वो भी बड़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है जी, उनको आप कॉर्पोरेट शोज की होस्टिंग करते हुए देखते हैं, वो टेक्सटाइल उन्होंने NCA से पढ़ा है, उन्होंने जो है वो स्पोर्ट्स शोज स्पोर्ट की एंकरिंग भी की है, उन्होंने जो है वो गाने वाने भी गाए, रेडियो भी किया है, वॉइस ओवर भी किया है, और अब ये उनका डेब्यू है म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करना, और वो भी AI बेस्ड म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करना पाकिस्तान में, ये भी एक ट्रेंड सेट किया है। तो ये है मल्टी डायमेंशनल सारा बलोच। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से? दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बहुत शुक्रिया सारा, अबरार, आप दोनों ने वक्त निकाला शो के लिए, और बहुत शुक्रिया कि बड़ी एक मुनफरिद चीज बनाई है। लेकिन सारा आपके रोल पे जरा मुझे सवाल उठाना है, और माइंड ना कीजिएगा, सवाल ये है कि AI की जो डायरेक्शन है फिल्म की या म्यूजिक वीडियो की, उसमें डायरेक्टर का क्या काम? वो तो सारी कमांड उधर से हो जाती है कंप्यूटर से। हाँ, ये समझाएं जरा दुनिया को कि भाई डायरेक्टर क्या करता है। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए अब जो 2023 की हम बात करें तब इवॉल्व किया था AI ने, 2024 में बहुत सारे एडवांसमेंट आए हैं, मजीद और आते रहेंगे। ह्यूमन को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, इसकी कोलैबोरेशन ह्यूमन क्रिएटिविटी के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट। AI को प्रॉम्प्ट्स देते हैं, ये एक बड़ा कंटिन्यूस प्रोसेस है, यू हैव टू बी पेशेंट विद इट, लेकिन ये इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस के लिए बड़ी अच्छी चीज है। आई थिंक अबरार कैन ऑल्सो रिलेट टू इट कि जो यंग म्यूजिशियंस है ना अक्रॉस द ग्लोब, उनका बड़ा एक पेन है कि एक तो उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने वोकल्स की रिकॉर्डिंग में, उसके बाद उनको वीडियो का एक लंबा चौड़ा खर्चा होता है। सो आई थिंक ये एक बड़ी पॉकेट फ्रेंडली चीज बन चुकी है। ऑफकोर्स हमारा भी बहुत इसमें खर्चा लगा, लेकिन अगर हम कंपेयर करें, अगर एग्जैक्टली हम इसी जनरल प्रोडक्शन की तरफ जाते तो वो बहुत ज्यादा एक्सीड करता। सो AI ने चीजें बहुत आसान कर दी है। सो ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन क्रिएटिविटी शिफा, इट हैज टू बी देयर, अदरवाइज वो आप पे कुछ नहीं कर सकता, यू नो वी हैव टू। जरूर आपकी बात को बढ़ाते हुए कि देखिए एक आपको वीडियो में या म्यूजिक वीडियो में दो चीजें चाहिए होती है, एक अच्छी आवाज यानी अच्छा कंटेंट म्यूजिक वाइज और कंटेंट वाइज, दूसरा अच्छे विजुअल जिसको हम कहते हैं विजुअल प्लेजर मिलना चाहिए। अब विजुअल प्लेजर की बात करें तो वो सीनरीज जो इस तरह से दिखाई जा सकती है जो बिल्कुल ओरिजिनल हमें लगती है देखने में, वो हम ओरिजिनली जाके अगर करेंगे तो शायद उसको 10 करोड़ लग जाए, बिल्कुल, लेकिन वही चीज हम अब बहुत कम पैसों में जनरेट कर सकते हैं और फिर प्ले कर सकते हैं। अब मैंने उसको उस लड़के का शहरी का नाम लेना बड़ा जरूरी है बिकॉज इसमें उसकी बहुत सारी एफर्ट्स है, तो उसको तस्वीरें बना के भेजी और उसने वीडियो बना के हमें ये भेज दिया, हम उसे डायरेक्ट करते रहे
मैंने भी और सारा ने, हमने दोनों ने इसको डायरेक्शंस दी, वो काम करके भेजता रहा। और ये इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि कमांड देनी होती है, समटाइम्स कंप्यूटर उस तरह से रिएक्ट नहीं करता जिस तरह से हम चाह रहे होते हैं, उसका एक अपना ही रोल हो जाता है, तो उसको बड़ा ऑल्सो आई वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग कि हमारे पहले दिन से एक मोटिव था, वो ये था कि देखिए इसके अंदर मुगल एरा दिखाना है, उसके कॉस्ट्यूम्स, उसका सेट डिजाइन, उसके एंगल्स वो प्रो लगना चाहिए। तो वो एआई के थ्रू, हमारी ह्यूमन इंटरेक्शन क्रिएटिविटी के थ्रू ये मुमकिन हो पाया। हमने कोशिश की कि वो चीज़ लार्जर देन लाइफ आ सके और वो लोगों ने पसंद भी किए। नाउ द वीडियो हैज क्रॉस 1.3 प्लस मिलियन व्यूज, और इतनी जल्दी मिलियन व्यूज होना, लोग जाहिर है, एक तो अबरार साहब की बात है कि जाहिर है उनका जब गाना आता है तो लोग वैसे ही इंतजार करते हैं, ऊपर से बने भी मुगल, ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर जवान, फिर मुगल, ये जवानी वाले लुक पे कैसे सेटिस्फाई हुए? अबरार भाई ये बताइएगा, ये लुक जो है ये आपने चूज किया अपने? नहीं अबरार भाई, ये कह रहा है अवैस, कह रहा है ये जवानी वाली, मैं आपको बुजुर्गी की तरफ अभी जाता हुआ नहीं देख रही, नहीं देख रही। ये अवैस अगर जेलिस है तो ये खुद बताएंगे, मेरा इस सवाल में कोई अमल दखल नहीं है। अवैस आपकी जेलिस क्यों है? बस उसने जब ट्विटर पे मेरी शक्ल को मजीद जवान करके पेश किया तो मैंने ये जाना कि गोया यही मेरे दिल में था, यही दिल में था, करके मुझे भेज दिया। और मैंने कहा भाई यही यहाँ पे लॉक कर दीजिए इस वीडियो को, इस पे उसने बोटॉक्स वगैरह लगा दिए हैं। लेकिन सच पूछे तो मेरी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बात थी ना, कलाम था जो आसिम मेरे दोस्त का है, दरमियान के जो दो रो बंद है, शुरू वाला और आखिरी वाला पार्ट जो है वो मेरी एफर्ट है, लेकिन उसका नाम मैं लेना बड़ा जरूरी समझूंगा कि वो एक डीएमजी ऑफिसर है, तो उन्होंने जो दो बंद लिखे तो मुझे लगा ये हम अपने आप के साथ मुलाकात ही नहीं करते कभी, यानी इसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ ताल्लुक है। अगर हम डीप डाउन इसके मीनिंग्स चेक करें तो मैं समझता हूँ हमारे सारे मसाइल का इंडिविजुअली भी कलेक्टिवली भी हल यही है कि हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आए। हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे, जब हेल्थ सर्विस की हम डेफिनेशन करते हैं तो हम वेलनेस को हेल्थ कहते हैं, लेकिन जब तक इमोशनल वेलबींग या स्पिरिचुअल वेलबींग शामिल नहीं होती तो फिजिकल वेलबींग इज नॉट कंप्लीट हेल्थ। सो स्पिरिचुअली हमें करेक्ट होना, वेलबींग हमारी होना बहुत जरूरी है, एक अच्छा प्रोडक्टिव। तो शुरू में बात मैंने की थी ना कि इश्क ना हो तो आपकी जिंदगी मुकम्मल ही नहीं होती। वो इश्क अगर अगर है, इकबाल भी हमें उसी इश्क की तरफ लेकर जाते रहे, बड़े बड़े सूफिया जो है वो उसी इश्क की तरफ निशानदेही करते रहे, लेकिन हमने वो इश्क शायद छोड़ दिया है, या हम इतने ज्यादा मसरूफ हो गए अपने सूदो ज़ियां वाली जिंदगी में कि बस बैंक में पैसे कितने हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान है, लेकिन इस दिल में इश्क कितना है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, और अल्लाह हमें इस तरफ लेकर आए। और आज के सूफीज को थोड़ा सा डिजिटलाइज होना पड़ेगा ताकि जो यंगर जनरेशन है वो अट्रैक्ट होके आए, वरना इस तरह के कलाम कोई नहीं सुनता। ऑनेस्टली 40 के ऊपर वाले लोग सुनते हैं, मैंने जब सुनाया लोगों ने कहा तो 40 प्लस सुनेंगे, लेकिन फिर मैंने अपने बच्चों को सुनाया, ये दिखाया एआई, उन्होंने कहा ये बना दें बाबा। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, बच्चे जो देख रहे हैं नो, हमारा 9 साल का मेरा बेटा है, वो उसके स्कूल के सारे फेलोस, दे आर एंजॉयिंग वो जो विजुअल प्लेजर की बात अब्रार ने की है। आई बिलीव इट हैज टू बी देयर। आई थिंक आर्ट के अंदर कैनवस आपके पास है, एआई में यू हैव अ बिग कैनवस, एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, इनक्रेडिबल वर्ल्ड है एआई का, लेकिन आपको उसके साथ गेज होना है। आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग, अब्रार ने मुझ पर भरोसा किया, ये मेरे लिए आई थिंक इतनी ऑनर की बात है, यू नो शेयरिंग द स्क्रीन विद हिम ऑल्सो। पूरे प्रोसेस में अब्रार ने जिस तरह मेंटोर किया है मुझे, ही हैज गिवन मी एन एज के सारा खेलो कैनवस के साथ, एंड आई एम सो थैंकफुल दैट वी कोलैबोरेटेड ऑन दिस। और बल्कि मैंने एक जो हमने कंपनी फॉर्म किया है ब्रारुल हक प्रोडक्शंस के नाम से, हम वी इंटेंड टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस, नॉट जस्ट स्पिरिचुअल वीडियोस, बल्कि इसके ऊपर कमर्शियल जबरदस्त जो काम हो सकता है, एक नेक्स्ट लेवल के काम की हम बात करते हैं, जब जिसमें हम जो भी इमेजिन करें वो पॉसिबल होगा। सो आइंदा आने वाली जो हमारी प्रोडक्शंस हैं उनमें इंशाल्लाह मजीद ये चीजें इस तरह की नजर आनी चाहिए अक्रॉस द कंट्री, बल्कि दुनिया में बिल्कुल ट्रेंड सेटिंग कर सकते हैं। वापस हमारे पास लोग बड़े जबरदस्त अमेजिंग करने वाले, जो वो चश्मा लगाया होगा बैठे होंगे बेचारे लगे होंगे, जो हैकर्स टाइप लोग नहीं होते जो उनका जी, कोई काम, तो एआई वाले भी जो है वो उनका वो क्रिएटिव होते हैं, मगर वो डेस्क के ऊपर बैठ के काम करते रहेंगे और कुछ ना कुछ। बिल्कुल वैसे आई वांट टू थैंक टू अमेजिंग पीपल जिनका हमारी जिंदगी में बहुत रोल है, हम दोनों के स्पाउसेस, क्योंकि हमने रमजान में हम अपने और जिंदगी के काम भी कर रहे थे, लेकिन हम इतने थॉरली क्रिएटिवली प्रोसेस में एंगेज थे कि उन लोगों ने बड़ा पेशेंट होकर हमें सपोर्ट किया। अब्रार आप इस बात से अग्री करते हैं, यू नो योर स्पाउस ऑल्सो, माई स्पाउस ऑल्सो, उनकी सपोर्ट एक टाइम आ गया कि बस कर दो ये हो गया प्रोजेक्ट।
बिल्कुल, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम. अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि आपका ये डायरेक्टरल डेब्यू है, पहली दफा आप वीडियो म्यूजिक वीडियो आपने डायरेक्ट किए, तो ये आप क्यों इस तरफ आ गई? आप इतने सारे काम करती हैं, अच्छे भले काम करती हैं, बेहतरीन करती हैं, ये कौन सी आपके अंदर एक यूं कह लें वो चिंगारी भड़कती है और आपने कहा नहीं मैं ये वाला काम भी करूंगी और फिर इस काम की तरफ भी आ गई और देखें बड़ा जबरदस्त आपने काम किया, ये हुआ क्या है? अच्छा आपने ना एक बार का जिक्र किया था तो उनका एक शेर है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर. मुझे लगता है कि वो समंदर जो है ना वो मैं तलाश कर रही हूँ और ये जो हुआ है ये खुदा ने करवाया, बिकॉज हम तो सहारा के लिए काम कर रहे थे, एकदम से बैठे हुए थे. बड़ा अमेजिंग प्रोसेस है ये, एकदम से बैठे हुए थे, अब्रार ने गाना सुनाया, मैंने वीडियो देखी, वो वीडियो अच्छी थी लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कलाम को शायद वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रही, और द वे द मोमेंट ही ट्रस्टेड ऑन माई आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज, मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी यहाँ से आई है और मुझे निभानी है, तो बस वो मैं आज तक निभाने की कोशिश कर रहा हूं. सारा ने मुझे एक दो रेफरेंसेस दिए जो कि बहुत अच्छे वीडियोस, उनको भी क्रेडिट जरूर देना चाहिए, मुझे उनके गानों के बोल याद नहीं है. हाँ. मगर दे वर एनी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, सारा इस पे चलते हैं, बिल्कुल एआई पे चलते हैं, और वो वीडियोस मैं कुदरती कुछ दिन पहले मैं देख रहा था और मैंने वो चूंकि हमारा ग्रुप है एक म्यूजिशियंस का तो उसमें अप्रिशिएट भी मैंने उनको किया, तो ये जब मुझे ये आपने दोबारा भेजा लिंक तो मैंने सोचा कि यार इसको हम मिलके बनाते हैं, इस वीडियो को इस तरफ लेके चलते हैं. और फिर सारा का एक जानने वाला लड़का कह रहा उसका जवाद नहीं बाजवा नहीं दशहरी हमें क्रेडिट जरूर देना, बिल्कुल देना चाहिए शेरी को और जिसका बनता है ड्यू, और उसको हमने कहा कि इस पे कुछ बना के दिखाओ कि हम तुम्हें, उसने कहा सर्टेन अमाउंट लगेगी, हमने कहा यार पता नहीं तुम क्या बनाओगे, ये बड़ा प्रोसेस मजे का है. हाँ. और उसने कुछ भेजा तो हमें वो इंटरेस्टिंग लगा. नहीं नहीं लेकिन इसमें अब्रार एक चीज भूल रहे हैं. अच्छा एक और चीज भी है, हम जब इस प्रोसेस में आ रहे थे तो अब्रार और मैंने एक पॉसिबिलिटी रखी हुई थी, खुदा ना खास्ता अगर ये नहीं बनती ना सही, हम दोबारा से जनरल प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे. सो वी वर वेरी ओपन टू आइडियाज. हाँ और ये जो जवानी वाले आपको अब्रार नजर आए हैं ये भी प्रोसेस था कि अच्छे आप लोग बार बार उनको जवानी वाला पीछे ही पड़ गए हैं, उस शख्स ने बैठना साथ किया गवारा कर लिया कि आप लोग तो बस बिल्कुल ही हाथ धोगे, बिल्कुल ही ना अब्रार भाई ये होता है हमारे यहाँ होता है ये कि बस थोड़ा सा आप उंगली पकड़ाए ना तो बस अगला हाथ पकड़ लेता है, जवान जवान कहकर बस शुरू हो गए ये लोग. देखिए मैं चाहूंगा आप इस बात पर, मैं कह रही हूँ ये दोनों आप तो पहले सिर्फ अवैध थे, अब सारा भी शुरू हो गई है साथ और जवानी पॉइंट आउट कर रही है, पुराना ताल्लुक है ना तो इस वजह से शायद हमारा जो है वो वेवलेंथ यहाँ पर मिल गई है. मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बार बार अदा करना चाहता हूँ. हम आपको शुक्रिया का बार बार मौका देते रहेंगे माशाल्लाह. अच्छा ये चूंकि सहारा की बात ये पॉइंट नोट कर लिया होगा, कामरान लाशारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने जो हम शूट करते रहे इतने दिन यहाँ पे गले में जाके उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया, वो हमेशा आर्ट को फन को सपोर्ट करते हैं. लेकिन वो हम उसको ऑन एयर ना कर सके अगरचे उसके शॉर्ट्स हमारे पास पड़े हैं और उसमें मैं कोई इतना बूढ़ा नहीं लग रहा वैस वो मैं आपको भिजवाऊंगा और आप अप्रिशिएट करें, बिल्कुल सही है. देखिए सीनियरिटी हैज इट्स ओन वेरी वो जिसको कहते हैं ना एडवांटेजेस, उसके अपने बेनिफिट्स ग्रेस. लेकिन जो भी है शिफा एंड वैस ये जो कलाम है ना ये एक मास्टरपीस है कि मैं यू नो आई वाज सो होपफुल कि हम इसको निभा पाए, इसकी डायरेक्शन को निभा पाऊं मैं. नहीं नहीं इंसाफ किया आप लोगों ने, इंसाफ किया है, बिल्कुल इंसाफ किया है दोनों ने. अच्छा चूंकि वो सहारा की बात हुई थी तो मैं चाह रहा था कि अब्रार भाई अगर आप थोड़ा सा हमें बता दें कि सहारा जो है वो अब क्या क्या कर रहा है और डोमेन उसका कितना बढ़ गया, अगर ये भी हमारे नाज़रीन को आप थोड़ा बता सके क्योंकि ये भी आपका एक एंगल है फिलैंथ्रोपी का. माशाल्लाह लोगों ने इस बार भी चूंकि ज़कात दी खैरात और ये सहारा को रमजान में ये पूरा साल चलेंगे, हम माशाल्लाह 3 बैजेस पास आउट कर चुके हैं डॉक्टर्स के, 100-100 के 300 लोग डॉक्टर्स बना के जा चुके हैं जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज के सहारा के. फिर हॉस्पिटल जो है वो 60,00,000 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है, पिछले 23 years से ये हॉस्पिटल चल रहा है. दिस वॉज द फर्स्ट एवर हॉस्पिटल बिल्ट इन अ रिमोट रूरल एरिया ऑफ पाकिस्तान नारोवाल, जिसमें गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल नहीं था. फिर कैंसर हॉस्पिटल इज ऑल्सो अप एंड रनिंग. अभी रिसेंटली हमने जो रमजान से पहले फंडरेजर किया था उसमें हम कार्डिक सेंटर बनाने जा रहे हैं हॉस्पिटल में, अगले साल से वो कार्डिक सेंटर भी काम करना शुरू कर देगा. तो इंशाल्लाह हार्ट के सारे पेशेंट्स का भी इलाज करेंगे, कैंसर के पेशेंट्स का इलाज हम कर रहे हैं और बाकी ट्रॉमा एक्सीडेंट्स मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर वो एक्सीलेंट फैसिलिटी
एक रिमोट रूरल एरिया में हम लोगों को दे रहे हैं आपके सपोर्ट से। और ओवरऑल हमारी नर्सिंग, हमारे दूसरे अलाइड कॉलेजेस 6000 बच्चे वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। शहीद के बच्चे की सीट फ्री है, यतीम के बच्चे की सीट फ्री है, हाफिज़े कुरान की सीट फ्री है। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें और ज्यादा सपोर्ट, जितना जितना लोग करते हैं हम उतनी सीट्स फ्री करते जाते हैं बच्चों के लिए। वो फ्री डॉक्टर्स बन रहे हैं, और जब वो सारी जिंदगी मतलब वो अदरवाइज नहीं बन सकते थे, बिल्कुल अब जब वो डॉक्टर बनेगा या बनेगी तो वो सारी जिंदगी हमारे डोनर्स को दुआएं देगी। हमारे डोनर को पता होता है कि वो किस बच्चे को डॉक्टर बना रहा है या बना रही है, और वो फिर सारी जिंदगी उसकी पूरी फैमिली बन जाती है, बल्कि पूरा गांव उस पे प्राउड फील करता है। तो सहारा से बहुत सारे काम करता है, लेकिन चूंकि दूर है, रिमोट एरियाज में है, आजकल इंफॉर्मेशन इतनी नहीं जाती, बिजी होते हैं लोग, तो इसलिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये चाहूंगा जब आप जाएं वहां तो जरूर देखें, और मेरे वालिदैन के लिए भी दुआ। आमीन आमीन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी दुआएं। और आखिर में, आखिर में सेगमेंट खत्म करते हुए मैं चाहूंगा कि इस गाने के कुछ बोल लाइव अगर आप हमारे नाजरीन के लिए, इनके लिए, बल्कि सारा आप भी गाना वाना गाती है, मैंने सुना है। हाँ, इसकी बहुत अच्छी आवाज है। दोनों आप दोनों भाई मेंटोर बैठे हुए, उस्ताद बैठे हुए। अच्छा, आपका ये मैं गाती हूं। यार दे रंग विच रंगे नाग जुदाई वाला डंगे मेरा दिल। यार दे रंग विच रंगे ये जिंदगी के मसायब ये फलसफे न सुना तू मेरा है के नहीं है सवाल इतना है हो इजाजत तो ढूंढ लूं खुद को हो इजाजत तो ढूंढ लूं खुद को तेरे अंदर मैं खो गया हूं कहीं मेरा दिल यार दे रंग विच रंगे नाग जुदाई वाला डंगे मेरा दिल। वा, वा, वा। जब तलक इश्क की गहराई नहीं समझेगा तू कभी लज्जत रुसवाई नहीं समझेगा तुमको हासिल है मोहब्बत के शबो रोज अभी तू मेरी जात की तन्हाई नहीं समझेगा मेरी नज़मों में तेरी वाह मेरी आह से है तू मेरा दर्द पजीराई नहीं समझेगा तूने सीखा ही नहीं लफ्जों में उतरना अब तक बात समझा भी तो गहराई नहीं समझेगा 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 मेरा दिल यार दे रंग बिच रंग। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का, और इसी तरीके से जबरदस्त प्रोजेक्ट्स करते रहें आप लोग, और हम लोग आपके फैंस, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोअर्स आपको सुनते रहेंगे और जिंदगी में इश्क डालते रहेंगे अपनी। थैंक यू जी, थैंक यू सारा, थैंक यू अबरार, बहुत शुक्रिया।